बिल्कुल फ्रेंड्स, आज हम लोग ये जानने वाले हैं कि नेचुरल तरीके से ब्लड प्रेशर को कैसे कम किया जाए। काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि हमें दवाइयां नहीं चलें और मेरा ब्लड प्रेशर कम हो जाए। अपने देश में अमूमन ये देखा गया है कि ज़्यादातर लोग दवाइयों को खाने से डरते हैं। उनका कहना है कि एक बार दवाई हमारी चालू हो जाएगी तो ये दवाई फिर हमेशा हमें खाना पड़ेगा। इस कारण से वो लोग दवाइयाँ लेते नहीं। इससे होता क्या है कि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा रहा है तो लंबे समय में शरीर को डैमेज कर देता है। आज हम लोग क्या नेचुरल तरीके होते हैं वो जानने वाले हैं, कैसे ब्लड प्रेशर को हम प्राकृतिक तरीके से कम किया जा सकता है। देखिए, ब्लड प्रेशर की बीमारी ये जीवन शैली से संबंधित बीमारी है। गलत खान पान की वजह से, एक्सरसाइज ना करना, स्मोकिंग, स्ट्रेस, इन सब की वजह से होती है। इसलिए इसका जो इलाज है 70% रोल लाइफ स्टाइल में मॉडिफिकेशन से है, 30% रोल दवाइयों का है। अगर आप अच्छी दिनचर्या अपनाते हो तो ज़्यादातर केसेस में या तो दवाइयाँ बंद हो जाती हैं या तो दवाइयों का डोज कम हो जाता है, और जिनको नहीं है उनको आगे फिर ब्लड प्रेशर की समस्या नहीं होती, प्रिवेंशन में मदद मिलती है। तो वही सारे हम क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, कैसे अपने आप को बचाया जाए इस ब्लड प्रेशर से, कैसे दवाइयाँ बंद करी जाए, वो सारे नेचुरल जो ट्रीटमेंट हैं, तरीके हैं, वो हम जानने वाले हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पहला कि नमक को कम खाना है, सोडियम को कम खाना है। नमक के अंदर सोडियम होता है जो कि शरीर के अंदर वाटर के रिटेंशन कराता है, शरीर के अंदर पानी को रोकता है। पानी रोकने से जो ब्लड का वॉल्यूम है वो बढ़ता है और फाइनली फिर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। अब जो नॉर्मल एक दिन की डायट्री रिकमेंडेशन है, जितना एक्सेप्टेबल लिमिट है, वो 2 ग्राम के आसपास है नॉर्मल व्यक्ति के लिए। और जिनको डायबिटीज हो गया है या हार्ट में प्रॉब्लम है, किडनी खराब है, 60 साल से ज़्यादा उम्र है, पहले हार्ट अटैक हो चुका है बीपी की प्रॉब्लम की वजह से, उनको 1.5 ग्राम अलाउ है। तो 1.5 से 2 ग्राम के बीच में नमक खाना है। प्रॉब्लम ये कि हमारे देश में नमक काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। हर व्यक्ति जितनी ज़रूरत है उससे कोई 5 गुना ज़्यादा खा रहा है, कोई 10 गुना ज़्यादा खा रहा है। तो आप चम्मच से नाप लें कि 2 ग्राम कितना होता है। मुझे उम्मीद है कि एक चम्मच में 2 ग्राम हो जाता होगा। चम्मच अलग अलग साइज के आते हैं। तो बेसिकली हमें नमक से परहेज करना है। ज़्यादातर जो बाज़ार की चीज़ें हैं, तली भुनी चीज़ें हैं, कोई प्रोसेस्ड आइटम है, चटनी है, अचार है, सॉसेस हैं, समोसा है, पकौड़े हैं, या जो नॉन वेज की चीज़ें होती हैं, इन सब में नमक काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज होता है। घर में भी हम कई बार नमक यूज कर लेते हैं अचार वगैरह में, तो उसको अगर अवॉइड करेंगे तो काफ़ी सारी स्टडीज में देखा गया कि अगर हम साल्ट का रिस्ट्रिक्शन करते हैं तो जो ब्लड प्रेशर है वो 5-6 पॉइंट से अपने आप नीचे गिर जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबको नमक को कंट्रोल करके रखना चाहिए। तो पहला तरीका ये हो गया। दूसरे तरीके की बात करें ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए, तो आपको अपने खाने में पोटेशियम जो मिनरल्स है उसको इंक्लूड करना चाहिए। वो सोडियम के अपोजिट उसका इफेक्ट है। नॉर्मली दिन की रिक्वायरमेंट उसकी 5 मिलीग्राम के आसपास होती है, और ये पोटेशियम ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये फ़ायदा ज़्यादा उन लोगों में होगा जिनके शरीर में पोटेशियम की मात्रा कम है। और ये पोटेशियम सब्जियों में मिलता है, फ्रूट्स में मिलता है, लो फैट जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसमें पोटेशियम मिलता है, और जो फिश होता है उसमें मिलता है। तो आप अपने खाने में इंक्लूड करें। अगर मैं फ्रूट्स की बात करूँ तो उसमें काफ़ी क्वांटिटी में पोटेशियम होता है, स्पेशली जैसे एप्पल के अंदर हो गया है, केले के अंदर हो गया है, मैं नाशपाती में हो गया, और ऐसे सब्जियां हैं जैसे कि पालक है, शकरकंद है, आलू है, पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं उसमें पोटेशियम होता है। तो आपको अपने खाने में सम्मिलित करना चाहिए। इस चीज़ को ध्यान रखें कि ऐसे लोग जिनके किडनी में प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा पोटेशियम नहीं खाने के लिए बोला जाता, उसमें रिस्ट्रिक्शन रहता है। तो अगर डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किसी और वजह से किडनी ख़राब है तो उस केसेस में फिर ज़्यादा पोटेशियम नहीं ले सकते, पर ओवरऑल खाने में पोटेशियम को सम्मिलित करना चाहिए। जो फ्रेश चीज़ें होती हैं, वेजिटेबल्स और जो फ्रूट्स होते हैं उसमें पोटेशियम होता है। ध्यान ये रहे कि ज़्यादा नहीं होने पाए। देखो, पोटेशियम ज़्यादा भी हो जाता है, जिसको हम लोग हाइपरकैलेमिया बोलते हैं, उस केस में फिर प्रॉब्लम होती है, हार्ट के अंदर भी बुरा असर पड़ता है, इररेगुलर बीट्स होती है, और मांसपेशियां भी कमजोर हो जाती हैं। जो तीसरा तरीका है ब्लड प्रेशर को नेचुरली कम करने का, वेट लॉस। वजन का ज़्यादा होना ब्लड प्रेशर का एक बड़ा कारण बनता है। ऐसा स्टडीज में पाया गया कि अगर वेट लॉस 1 kg किया जाए, 1 किलो कम करते हैं, तो जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो 1 पॉइंट से नीचे आ जाता है। सबको पता होना चाहिए कि नॉर्मल वेट कितना होना चाहिए। तो नॉर्मल BMI 18 से 25 के बीच में होना चाहिए। वैसे एक रफ मैं एस्टिमेट बताऊं कि अगर किसी का वजन 70 से ज़्यादा हो रहा है, 70 किलो से, और उसकी जो हाइट है वो 6 फीट से नीचे है, इसका मतलब वो ओवरवेट हो रहा है। वैसे
अपनी हाइट को सेंटीमीटर में जितनी है उसको 100 माइनस करोगे तो आपका आइडियल वेट आ जाएगा। एकदम मोटापे से ये देखा गया है कि जितने भी ब्लड प्रेशर के केसेस है उसमें 26% केस तो अकेले मोटापा कंट्रीब्यूट करता है। अगर हम इसको कम कर पाएंगे तो ब्लड प्रेशर इजिली काफी हद तक कम हो जाता है। मोटापे से एक तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, सबसे बड़ी बात है, ट्राइग्लिसराइड का लेवल बढ़ता है, डायबिटीज के चांसेस बढ़ते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस चांसेस बढ़ते हैं, हार्ट फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो मोटापा ओवरऑल काफी बुरा सा डालता है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, इसलिए मोटापे को नियंत्रित करने से ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, या तो जो ब्लड प्रेशर की दवाइयां हैं वो कम हो जाएंगी। तो तीन चीजें होंगे। चौथी चीज की बात करें एक्सरसाइज, एक्सरसाइज का डायबिटीज कंट्रोल करने में अहम रोल होता है। ज्यादातर जो मोटापे की प्रॉब्लम है उन्हीं में लोगों में होती है जो सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, ज्यादा चलते फिरते घूमते नहीं है। तो अलग अलग तरह की एक्सरसाइज हैं, सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वो एरोबिक एक्सरसाइज। एरोबिक मतलब कि ऐसी एक्सरसाइज जिसमें हार्ट रेट और जो रिस्पिरेटरी रेट है दोनों बढ़ जाए, वो सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे कि रनिंग है, जॉगिंग है, वॉकिंग है, खेलना कूदना है, स्विमिंग है, बैडमिंटन, इस तरह की एक्सरसाइज है, या स्ट्रेंथ वाली ट्रेनिंग होती है जिसमें वेट लिफ्टिंग वगैरह करना है, वो भी अच्छी होती है। और ऐसे लोग जिन की एज ज़्यादा हो गई है 50-60 से ज़्यादा, या पैरों में दिक्कत है, या जिनका ब्लड प्रेशर काफ़ी ज़्यादा रहता है, या वो ज़्यादा स्ट्रेंथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या योगा मेडिटेशन ध्यान भी कर सकते हैं, वो भी रिलैक्सेशन स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, वो भी एक्सरसाइज का एक तरीका है, वो किया जा सकता है। सबको 30 से लेके 45 मिनट तक एक्सरसाइज रिकमेंडेड है। रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, स्टडीज में देखा कि अगर पेशेंट रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर जो ऊपर वाला है वो 6 पॉइंट से नीचे कम हो जाता है, और जो नीचे डायस्टोलिक वाला है वो 3 पॉइंट से कम हो जाता है। तो एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को कम करने में एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। बस ये चीज़ ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसे लोग जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है उनको जो हैवी एक्सरसाइज है वो नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि उनका बीपी सडन राइज हो जाए, हालांकि लंबे समय में ब्लड प्रेशर से आराम ही मिलता है। ब्लड एक्सरसाइज के बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। एक तो ये वजन को कम करता है, जो हार्ट है वो स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जो एंजाइटी स्ट्रेस है वो भी रिलीव होती है। तो ये चौथा पॉइंट हो गया एक्सरसाइज, जिससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल किया जा सकता है। अगले पॉइंट की बात करें अल्कोहल के इंटेक को लिमिट में रखना। ये प्रायः देखा गया है कि ऐसे लोग जो अल्कोहल का ज़्यादा सेवन करते हैं उनमें ब्लड प्रेशर की शिकायत ज़्यादा रहती है। तो अगर कोई सेवन कर रहा है और अल्कोहल को बंद कर देता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। और ऐसे ही अगर कोई निकोटीन का सेवन कर रहा है किसी भी फार्म में, गुटखा, तंबाकू, खैनी या स्मोकिंग, बीड़ी वगैरह है, निकोटीन का भी असर एज ए स्टिमुलेंट होता है, वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। तो निकोटीन बंद करने से ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा अगर किसी के जीवन में कोई सी तरह का तनाव है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो, किसी भी कारण से हो, चाहे उसकी हेल्थ से संबंधित हो, उसके परिवार से संबंधित हो, कोई लड़ाई झगड़ा हो, किसी चीज़ का डिस्प्यूट हो, या जहाँ पे काम कर रहा है, तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। ज़्यादातर जो इसेंशियल हाइपरटेंशन है, जो प्राइमरी हाइपरटेंशन का कारण ही तनाव है, तनाव के अंदर बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं स्ट्रेस वाले, कार्टिसोल निकलता है, एड्रेनलिन निकलता है, जो हार्ट रेट भी बढ़ाता है और जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं उसकी भी टोन को बढ़ा देता है। तो अगर स्ट्रेस को कम किया जाए तो ब्लड प्रेशर काफ़ी हद तक कम हो जाता है, मतलब कम से कम 6-7 पॉइंट नीचे ब्लड प्रेशर आराम से आ सकता है। तो ऐसे लोग जो प्री हाइपरटेंसिव हैं या हल्का हाइपरटेंशन, उनको तो एंजाइटी ख़त्म करने भर से उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है। एंजाइटी कम करने के लिए आप अलग अलग तरह के टेक्निक्स हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं, योगा, एक्सरसाइज, ध्यान, मेडिटेशन, ऐसा कर सकते हो, या जिस प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करो, उससे ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। अगला जो तरीका है ब्लड प्रेशर को प्राकृतिक तरीके से कम करने का, वो है ज़्यादा अमाउंट में पानी पीना, एडिक्वेट अमाउंट में शरीर को हाइड्रेट रखना। अमूमन ये देखा गया कि अगर शरीर के अंदर पानी कम हो, डिहाइड्रेटेड शरीर में ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा रहती है, और एडिक्वेट अमाउंट में पानी लेने से जो इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस है, हार्मोन का बैलेंस है, वो सारा ठीक रहता है। इसलिए बीपी नियंत्रित रहता है, ना तो बीपी ज़्यादा कम होने पाता है और ना तो ज़्यादा बीपी बढ़ने पाता है। जिनको बीपी की कम की समस्या रहती है उनको भी पानी पीने के लिए बोला जाता है, और जिनका बीपी ज़्यादा रहता है उनको भी पानी पीने के लिए बोला जाता है, राइट। अगले तरीके की बात करें तो एक है, अगर कोई व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा ले रहा है, चाहे काफ़ी हो चाहे चाय हो, उसमें कैफीन होता है, एज ए हार्ट में स्टिमुलेंट की तरह काम करता है, तो उसको भी अगर कट डाउन करोगे काफ़ी, या चाहे कम कर दोगे, तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है।
जो लोग नहीं पी रहे हैं उनके लिए तो ये नहीं मैटर करता, लेकिन जो लोग चाय काफी ज्यादा लेते हैं उनके लिए ब्लड प्रेशर थोड़ा इम्प्रूव होगा। और ऐसे ही एक और काफी अच्छा तरीका है, मतलब साइंटिफिकली प्रूवन है, कि जो एक्सरसाइज की टेक्निक्स होती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, जिसमें डीप स्लो ब्रीदिंग करी जाए, मतलब सांस अंदर लिया जाए धीरे से और धीरे से छोड़ा जाए, तो ऐसा देखा गया है कि ऐसे रिलैक्सेशन होता, मतलब स्ट्रेस एंजाइटी भी ठीक होती है और जो हार्ट रेट होती है वो स्लो हो जाती है, तो उससे भी कई बार ब्लड प्रेशर की शिकायत कम हो जाती है और ये काफी अच्छा असर है इसका, काफी इम्पैक्ट है। तो इस तरह की चीजें हैं ये, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप सीख सकते हो कोई योगा इंस्ट्रक्टर से, जो लोग ये कराते हैं, ब्रीदिंग टेक्निक्स कराते हैं। बेसिकली उसमें धीरे से सांस अंदर भरना है और थोड़ी देर होल्ड करना है, फिर छोड़ना है। ये काफी जो स्ट्रेस है उसको कम करती है और हार्ट रेट को भी स्लो करने में मदद मिलती है। और ऐसे ही एक डाइटरी स्पेशल रिकमेंडेशन आजकल चलती है, यूएसए वगैरह में काफी पॉपुलर है, डैश डाइट, मतलब डाइटरी अप्रोचेस टू स्टाफ हाइपरटेंशन। उसमें ऐसा खाना एडवाइस किया जाता है जिसमें नमक कम हो और पोटेशियम ज्यादा हो और मिनरल्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह ज्यादा हो। डैश डाइट करके आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, तो उससे भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में नेचुरल तरीके से मदद मिलती है। तो ये सारे जो मैंने तरीके बताए हैं बिना दवाइयों वाले हैं, अगर आप इनको अपनाते हो तो जो शुरुआत की स्टेज का ब्लड प्रेशर है वो तो कंट्रोल हो जाता है, जिनको अभी प्री हाइपरटेंशन है आगे नहीं होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जिनको काफी ज्यादा है, बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे कि ये सब करने के बाद भी उनका ब्लड प्रेशर पूरी तरीके से ठीक नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली दवाइयाँ कुछ हद तक कम हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये हेल्पफुल रहेगा। सो थैंक यू सो मच।